IVF जी उन उन कपल्स का ट्रीटमेंट है जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट से गुजर चुके हैं ठीक है फर्टिलिटी के, पर उनको प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो रही। ठीक है ठीक है, हो सकता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा हो या फर्स्ट में ही आ रहा हो, जिसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी या ठीक है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। कई दफ़ा मेल फैक्टर इतना सिग्निफिकेंट होता है कि वो सिंपल मेडिसिन से या दूसरे यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बात नहीं नहीं बनती, बनती। जिसमें ठीक है फिर उनको ये जदीद ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ता है। उसी तरह फीमेल फैक्टर, बहुत कॉमन फैक्टर है ब्लॉक ट्यूब्स, ठीक है ट्यूबों में रुकावट हो तो फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते, ठीक है उनमें IVF पे आना पड़ता है। फिर बाकी इश्यूज हैं, PCO एक इशू हो गया, एंडोमेट्रियोसिस इशू हो गया, बहुत से ऐसे फीमेल इनफर्टिलिटी के फैक्टर्स हैं जिनमें सिंपल ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं मिल रहा होता तो हम इस जदीद टेक्नोलॉजी के पास जाते हैं। ठीक है IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजी नहीं है, पहला IVF बेबी दुनिया में 1978 में पैदा हुआ, ठीक है सो 40 ईयर्स प्लस हो गए उसकी भी पैदाइश को, और अब तो IVF के बच्चों के भी आगे बच्चे हो गए हैं। ठीक तो है एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें ओवर द इयर्स बहुत डेवलपमेंट्स भी आई हैं, ठीक बट है साथ साथ ये बहुत से मुल्कों में और बहुत से हेल्थ केयर सेंटर्स में प्रोवाइड की जा रही है। इसके अंदर बेसिकली हम करते ये हैं कि फीमेल की ओवरी से, अंडादानी से एग लेके, हस्बैंड का सीमन सैंपल लेके उसको लेबॉरेटरी में फर्टिलाइज करते हैं। सो जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस या बीज बनने का प्रोसेस नेचुरली बॉडी में नहीं हो रहा किसी वजह से, उसको लैब में किया वो लैब में कर दिया जाता है। ठीक है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ट्रीटमेंट हस्बैंड एंड वाइफ का है, ठीक है कोई हमारे इस्लामी थर्ड ममालिक पार्टी के इसमें इन्वॉल्व अंदर, नहीं है इस्लामी ममालिक के अंदर कोई डोनर स्पर्म, डोनर एग, इस तरह की चीज़ें सरोगेसी वगैरह नहीं होती। ठीक है तो कपल ही का ट्रीटमेंट होगा, फर्टिलाइज किया जाएगा एक को, और ठीक जब है एम्ब्रियो डेवलप होता है तो जिस तरह चीज़ें ने भी कहा कि या तो हम उन एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं कि बाद में ट्रांसफ़र करें इनटू द यूट्रस, या फिर उसी साइकिल के अंदर वापस यूट्रस में रख दिया जाता है। ठीक जब है हमने वापस रख दिया उसके 2 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया, इंशाल्लाह अगर हमल हो गया तो फिर एक वो नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह है और वहाँ से प्रेगनेंसी शुरू हो वो रही आगे है उसी तरह चलेगी 9 मंथ। उसी तरह। इसमें जो कॉन्सेप्ट है कि जी लेबॉरेटरी में बच्चा बन रहा है, कोई टेस्ट ट्यूब में बन रहा बिल्कुल है, ऐसे वो ही है नहीं है। ये जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है तभी हमल ठहरता है और उसके बाद ही एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह चलता है, आप यार, स्पर्म गायनेकोलॉजिस्ट और के जाए। एग को मिलाने का काम जो लैब में किया जाता है, बाकी सारा सिस्टम जो है वो आगे थ्रू उसी तरह चलता है जिस तरह एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। उसके अंदर अब स्पर्म और एग को मिलाने के भी 2 डिफरेंट तरीके होते हैं, एक को जिस तरह IVF कहते हैं जी जिसमें सर वो नेचुरली फर्टिलाइज होते हैं लैब में, दूसरा जो लेटेस्ट टेक्निक है ICSI, ठीक है ICSI उसको कहते हैं, जिसमें ज़्यादा मेजर मेल प्रॉब्लम हो तो उनमें वो इस्तेमाल किया जाता है। वो भी एग को फर्टिलाइज करने का एक स्पेसिफिक तरीका है जिसमें इवन सिंगल स्पर्म यूज़ करके हम कर सकते हैं। सो ठीक है इवेंचुअली जब बीज बन गया, एम्ब्रियो बन गया, तो फिर एक नॉर्मल प्रोसेस से सारा आगे प्रेगनेंसी का मामला चलेगा।